नवोदय ग्रंथि प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। हम आज आपको बीजों का अंकुरण बताएंगे। बीजों का अंकुरण में आज हम चने का पौधा कैसे तैयार होता है ये दिखाएंगे। ये आप गमला देखें, गमले में कुछ आपको ये पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें क्या किया था मैंने, चना बो दिया था। आप लोगों ने भी गांव में चने वने बोते रहते हैं तो ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों को उसके भाग नहीं पता है कि कैसे क्या ये बढ़ते हैं। अब आप देखें कि ये पौधे बड़े हो गए हैं। बड़े होने से पहले आप इस तरफ ध्यान दें, ये बीज था जो मैंने बोया था। बोने के कुछ दिन बाद नीचे की तरफ कुछ रचनाएँ निकली, ये देखिए नीचे की तरफ, इनको कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर से हमारी आगे चलकर जड़ें बनती हैं। जड़ें हमेशा ज़मीन के नीचे रहती हैं और कुछ दिन बाद इन्हीं में से जहाँ पे आपका मूलांकुर निकला था उसी जगह से आपकी एक और रचना जो है वो ऊपर जाने लगी। ये हमारा प्रांकुर है। प्रांकुर जो है वो बाद में तना बनाता है। ये देखिए ये भूमि के ऊपर जा रहा है। हमेशा तना आपने देखा होगा भूमि के ऊपर होता है। कुछ दिन बाद इसमें पत्तियाँ निकल आई हैं, ये देखिए धीमे धीमे करके आपका ये पौधा बड़ा हो जाएगा और ये आपका चने का पौधा बनकर तैयार होगा, जिसमें बाद में आपके इसमें फल फूल सब निकलेंगे। तो ये है आपका चने के बीज का अंकुरण।